शहर कायद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। बारिश के बायस करंट लगने से दो बच्चों और एक बच्ची जा बहक। नैप्रा ने कराची में बिजली की लोड शेडिंग और करंट लगने से इंसानी जानों के जाया का नोटिस लेते हुए के इलेक्ट्रिक से रिपोर्ट तलब कर ली है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मूनसून बारिश के बाद सुपर हाईवे मवेशी मंडी का निजाम भी दरहम बरहम हो गया और नशेबी मकामात पर पानी भरने से व्यापारियों को कुर्बानी के जानवर महफूज मकाम पर मुंतकिल करना पड़ गए। चौबीस घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 123.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा सदर 104, शारे फैसल 77, नॉर्थ कराची 68.7, गुलशन हदीद 64, एयरपोर्ट 64.4 और गुलिस्तान जौहर 61.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुतालिका सरकारी महकमों की तरह बल्दियाती इदारों की तरह एक रोज की बारिश से बिजली की फराहमी भी शदीद मुतासिर हुई है। शहर भर में बिजली की आग मचोली का सिलसिला जारी है। कराची में मूनसून स्पेशल की मूसलाधार बारिश ने बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। गुज़िश्ता रोज की बारिशों ने सारा शहर जलथल कर दिया। निकासी आब के इंतजाम न होने के बायस इलाके तालाब बन गए। बल्दियाती इदारों की जानिब से अमले की 24 घंटे मौजूदगी के दावे भी गलत साबित हुए। बारिश ने महकमा बल्दियात और शहरी हुकूमत की कारकर्दगी को भी बेनकाब कर दिया। नालों की सफाई के लिए लाई गई मशीनें जवाब दे गईं और बड़े नालों से कचरा साफ नहीं किया जा सका, जिसके बायस निकासी का सिस्टम बुरी तरह तबाह हो गया। पानी का रेला दाखिल होने से कराची से हैदराबाद जाने वाले सुपर हाईवे की एक सड़क बंद हो गई। हाईवे और नॉर्दर्न बाईपास के अतराफ का वसी इलाका जेरे आब आ गया है और कई गोट डूब गए।